अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर केयर नासिफ है। मैं ग्रीन स्टार के साथ एज क्वालिटी एश्योरेंस एंड ट्रेनिंग लीड मुंसलिक हूँ। आज हम जिस प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे वो है MVA यानी मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। MVA का प्रोसीजर दो तरह के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, डायग्नोस्टिक जिसमें एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग की जाती है, और थेरापेटिक जिसमें 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी के लिए इनकम्प्लीट अबॉर्शन और मिस्ड अबॉर्शन के केसेस में ये WHO रिकमेंडेड सेफ प्रोसीजर है। MVA के प्रोसीजर को शुरू करने से पहले कुछ प्री प्रोसीजर, कुछ इंट्रा प्रोसीजर और फिर कुछ पोस्ट प्रोसीजर चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। MVA के प्रोसीजर से पहले एक चेकलिस्ट ज़रूर फॉलो करनी चाहिए जो कि ग्रीन स्टार की तरफ से हमारे तमाम प्रोवाइडर्स को दी जाती है। ये चेकलिस्ट उन क्रिटिकल स्टेप्स पर मुश्तमिल है जो कि MVA के प्रोसीजर के लिए ज़रूरी है। MVA के लिए ज़रूरी मराहिल हैं, आलात को तैयार करना, मरीज़ा को तैयार करना, सर्विक्स को जरासीम कुश अद्वियात से साफ़ करना, सर्विक्स को सुन करने के लिए टीका लगाना, सर्विक्स का मुंह खोलना, कैनुला अंदर डालना, बच्चेदानी से मवाद या टिश्यूज़ को निकालना, टिश्यूज़ का मुआयना करना, कोई और ज़रूरी अमल भी करना हो तो साथ साथ रख कर लेना, और आलात की सफाई और उन्हें दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना। MVA के प्रोसीजर के लिए हमें जिन आलात की ज़रूरत है उनमें कस्कॉस या डक स्पेकुलम, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, टेनेकुलम, यूट्राइन साउंड अगर हम इसे डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पायोडीन स्वैब्स, और इसके अलावा MVA सिरिंज। MVA सिरिंज के पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमारे पास बैरल या सिलेंडर जिस पे 20-60 ml तक की मार्किंग होती है, प्लंजर, वेल्व, लाइनर, कैप, कॉलर स्टॉपर शामिल। इसके अलावा यूट्रस के साइज़ के हिसाब से मुख्तलिफ कैनुलास मौजूद होते हैं जिनका इंतखाब किया जाता है। MVA के अमल से पहले क्लाइंट की हिस्ट्री और मेडिकल रिकॉर्ड का मुआयना करें और हमल के दौरानिए से मुतल्लिक यकीन दहानी कर लें। इसके अलावा क्लाइंट को आगाह करें कि इम्प्लांट, गोलियां, इंजेक्शन या कॉन्डम को इस काते हमल की देखभाल के इलाज के दिन से शुरू किया जा सकता है। अगर क्लाइंट छल्ला रखवाने की ख्वाहिशमंद हो तो क्लाइंट को बताइए कि तिब्बी इस्कात के बाद या ऑपरेशन के प्रोसीजर के फौरन बाद क्लाइंट छल्ला रखवाने के लिए अहल हो सकती है। MVA का प्रोसीजर शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपकी क्लाइंट को इस प्रोसीजर के बारे में पहले से तमाम काउंसलिंग होनी चाहिए। इसके अलावा इस प्रोसीजर करने से पहले आपकी क्लाइंट का ब्लैडर एम्प्टी होना ज़रूरी है। क्लाइंट का ब्लैडर एम्प्टी करने के बाद उसको प्रोसीजर टेबल पर लिटाया जाता है। MVA का प्रोसीजर शुरू करने से पहले हमें अपनी MVA सिरिंज को चार्ज कर लेना चाहिए। अब हमने इस MVA सिरिंज में वैक्यूम क्रिएट कर लिया है। अब MVA सिरिंज हमारे पास चार्ज हालत में मौजूद है। प्रोसीजर शुरू करने से पहले मरीज़ा का पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है और पर वजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है। पर वजाइनल एग्जामिनेशन के बाद हम ग्लव्स चेंज करते हैं और बेहतर है कि आप प्रोसीजर के लिए स्टरलाइज ग्लव्स का इस्तेमाल करें। प्रोसीजर शुरू करने से पहले आप स्टरलाइज गॉज पीस से पेरिनियल एरिया को बाहर से अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। इसके बाद कस्कॉस या डक स्पेकुलम डाला जाता है और सर्विक्स को अच्छे तरीके से विजुलाइज किया जाता है। उसके बाद हम एक और पायोडीन के स्वैब की मदद से सर्विक्स के अंदर के एरिया को और सर्विक्स के अराउंड के एरिया को क्लीन करते हैं। इंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को टेनेकुलम की मदद से होल्ड किया जाता है और हम वीक्स ऑफ जेस्टेशन के हिसाब से कैन्यूला इंसर्ट करते हैं।
पहले से चार्ज शुदा एमवीए सिरिंज को कैनुला के साथ अटैच किया जाता है। उसके बाद हम लॉक्स को रिलीज करते हैं और टू एंड फ्रो मोशन के जरिए प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को इस रेंज में एस्पिरेट कर लिया जाता है। साइंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपको एक ग्रिटिंग सेंसेशन फील होता है और उसके साथ साथ इस बैरल के अंदर पिंक कलर के बबल्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। प्रोसीजर कंप्लीशन के बाद आप कैनुला को अलग करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को हम स्टेनर के अंदर डालकर स्टेन आउट कर लेते हैं। इन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बायोप्सी के लिए भेजा जा सकता है। प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद आप तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को इकट्ठा करते हैं और पहले से तैयारशुदा रीच के सॉल्यूशन के अंदर डाल सकते हैं। प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद आप अपने क्लाइंट को पोस्ट प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि गाइडलाइंस के मुताबिक एक प्रेगनेंसी के बाद अगर खुदा न खास्ता मिस्ड अबॉर्शन या इनकम्प्लीट अबॉर्शन की नौबत आती है तो अगली प्रेगनेंसी से पहले कम अज़ कम 6 महीने का वक्फा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बेहतर है कि आप अपनी क्लाइंट को प्रोसीजर से पहले ही फैमिली प्लानिंग के तमाम ज़रूरी और दस्तयाब तरीकों के बारे में मुकम्मल मालूम। एमबीए के बारे में ये हमारी आज की डिस्कशन थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।